हेलो स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी क्लास में बात करेंगे, ग्रामीण की बात करेंगे। ग्रामीण क्या है? आपको पहले पादप प्रजनन क्रियाएं बताई गई थी, थोड़ा मैं आपको ध्यान दिलाना चाह रहा। पादप प्रजनन क्रिया बताई गई थी जिसमें पहला बिंदु था आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करना। आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करना, उसके कुछ बिंदु थे जो आपने जर्म प्लाज्म, उत्परिवर्तन, संकरण, प्रोटोप्लास्ट, ग्रामीण, पादप प्रतिस्थापन, ये सारे बिंदु एक प्रकार से आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने के बिंदु हैं। तो उसी का एक बिंदु हम ग्रामीण पढ़ने जा रहे हैं। ग्रामीण क्या है? जब किसी जंगली प्रजाति को, कि जो जंगली प्रजाति है उस जंगली प्रजाति को मानव खेती में उगाने के लिए उपयोग में लाता है तो उसे ग्रामीण बोलते हैं। कि किसी भी जंगली प्रजाति को यदि खेती में उगाने के लिए काम में लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रामीण बोलेंगे। अर्थात ग्रामीण क्रिया से फसल के पकने की अवधि में क्या आई है? कमी आई है। बहुगुणिता को क्या मिला है? बढ़ावा मिला है। बहुगुणिता आपको बताया गया था कि बहुगुणिता क्या है? किसी भी जीव की कायिक कोशिका में जीनोम की 2N से अधिक प्रतियां पाए जाना, 2N से ज्यादा यानी 3N 4N, उसे क्या बोलते हैं? बहुगुणिता। अर्थात इस क्रिया से एक प्रकार से अलैंगिक जनन को भी बढ़ावा मिला है। अलैंगिक जनन को भी बढ़ावा मिला है। ग्रामीण क्रिया है, इसके दो चयन के आधार है, एक प्राकृतिक चयन और एक कृत्रिम चयन। जिसके प्राकृतिक चयन की बात करते हैं, सिलेक्शन मेथड क्या है? ग्रामीण के दौरान चयन के दो आधार बताए गए। एक प्राकृतिक चयन होता है, जो तुलनात्मक अंतर भी आप देख पा रहे हैं यहां पर, कि प्राकृतिक चयन के अंदर चयन का आधार कौन होते हैं? प्राकृतिक कारक होते हैं। प्राकृतिक कारक में आप देखते हैं कि जैसे जलवायु, प्रकाश है, वायु है, आदि एक प्रकार से प्राकृतिक कारक होते हैं जो चयन का मुख्य आधार होते हैं। अर्थात प्राकृतिक चयन की बात यहां कर रहे हैं तो प्राकृतिक चयन होता है जिसमें जनन होता है, जो समष्टि के सभी जीव प्रारूप द्वारा होता है। प्राकृतिक चयन की यहां पर बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। ध्यान रहे कि इसमें चयन का आधार कौन होते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, इसमें प्राकृतिक कारक होते हैं। प्राकृतिक कारक और जनन होता है समष्टि के सभी जीन प्रारूप द्वारा होता है। याद रखें कि जनन होगा जो समष्टि के सभी जीन प्रारूप द्वारा होता है, यह आपको ध्यान रखना है। और समष्टि के अंदर अनुकूलन भी क्या होगा? बढ़ेगा, यह आपको ध्यान रखें। अर्थात समष्टि इस सभी जीन प्रारूपों द्वारा एक प्रकार से जनन होता है, इस वजह से इनके अंदर विविधता अधिक होती है। विविधता क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। याद रखें कि इसमें विविधता क्या होगी? अधिक होगी। यदि हम बात करें कृत्रिम चयन की बात करें तो कृत्रिम एक प्रकार से मानव क्रियाएं होती है, मानव के द्वारा किया जाता है, और इसके अंदर जनन होगा जो केवल चयन किए गए जीन प्रारूप द्वारा होता है, जिनका क्या किया जाता है? सिलेक्शन किया जाता है। तो केवल चयन किए गए जीन प्रारूप के द्वारा ही क्या होता है? जनन होता है। तथा इसके अंदर भी कृत्रिम चयन है, इसके अंदर भी एक प्रकार से अनुकूलन क्या होगा? बढ़ेगा, ध्यान रहे। और इसके अंदर मानव क्रियाएं होती है, अर्थात चयन किए गए जीन प्रारूप द्वारा होता है, अतः इसके अंदर विविधता में क्या आएगी? कमी आई। ये आपको ध्यान रखें कि विविधता होगी, विविधता में क्या आएगी?
कमी आएगी, ये आप ध्यान रखेंगे। दोनों में तुलना भी कर सकते हैं कि प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन में अंतर स्पष्ट कीजिए तो आप बताएंगे इसमें चयन का आधार क्या होता है। प्राकृतिक कारक होते हैं, इसमें चयन का आधार कौन होते हैं, मानव क्रियाएं होती हैं। इसके अंदर दूसरा आप तुलना कर, इसमें जनन समष्टि के सभी जीन प्रारूप द्वारा होता है, इसमें केवल चयन किए गए जीन प्रारूप जिनका हम क्या करें सिलेक्शन करेंगे उनके द्वारा ही होगा। इसके अंदर अनुकूलन क्या होगा, बढ़ेगा। और विविधता की बात करें तो इसमें विविधता क्या होगी, अधिक होगी, ध्यान रखें। और उसके अंदर विविधता में क्या आएगी, कमी आएगी। तो ये ग्रामीण था, तो ग्रामीण समझ चुके होंगे कि किसी जंगली प्रजाति को मानव के द्वारा खेती में उगाने के लिए काम में लाया जाना एक प्रकार से क्या कहलाता है, ग्रामीण कहलाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।